मैं आत्मा ऐसा नहीं कहना, पूछना अपने आप से। जैसे हम औरों को पूछे माता जी आपका नाम, तो आप बोलेंगे ना, तो आप अपने आप से पूछो मैं कौन। तो कि ये बुद्धि योग है, ज्ञान सारा बुद्धि के अंदर है। तब बाबा ने कहा आपकी बुद्धि को दिव्य कौन करे, कैसे करे, अपने आप तो नहीं होगा, बुद्धि आपके पास है। तो बाबा विधि बताते, इस विधि पूर्वक करेंगे तो बुद्धि चलने लगेगी, स्वच्छ होती जाएंगी। तब सुनना पढ़ने से नहीं होता है, तो ये दोनों चीज चाहिए, ये रोज सवेरे शाम। अभी और एक चीज चाहिए कि ज्ञान भी चाहिए। देखिए आज बाबा ने मुरली में कहा था ज्ञानी आत्मा कौन बताएंगे? हाँ, ज्ञानी वो कभी भी नहीं कहेगा ये कारण ये कारण ये कारण नहीं, कारण को निवारण करेगा। क्योंकि निवारण करने के लिए उसके अंदर ज्ञान है। कपड़े को दाग लगा तो जिसके पास साबुन है वो धोएगा ना, साबुन नहीं है तो क्या कहेगा, काला है बोलता रहेगा, है ना, मुझे ये समस्या है ये समस्या है, ये विघन है ये बोलता है रोज, मीन्स उसके पास ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है, हाँ ये समस्या का ये समाधान, ये परिस्थिति आई ये विघन है उसके लिए ऐसे करना चाहिए, उनके पास ज्ञान है, तब का रोज सुनना चाहिए मुरली। मुरली सुनते ही